जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। रेत तस्करों ने दी पुलिस को धमकी, हथियार लेकर पहुंचा होटल, 10 किमी दूर मिला व्यक्ति का शव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रेत तस्करों ने दी पुलिस को धमकी। अमरावती में अवैध रूप से रेत की धुलाई कर रहे व्यक्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ले जाने का कहकर पुलिस ने कर्मचारियों पर लाठी से वार करने की कोशिश कर जान से मारने की धमकी दी। घटना खलार में 19 जुलाई को हुई। शिकायत 20 जुलाई को महेश डोराले ने दर्ज कराई। खलार पुलिस ने आरोपी अक्षय दहाटे पर मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंद्रभागा नदी से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉलर में ले जा रहा था। पुलिस ने उसे रोककर थाने में ट्रैक्टर ट्रॉलर ले जाने को कहा। आरोपी ने लाठी से कर्मचारियों को मारने की धमकी दी और साथ ही उसके पीछे दौड़ा। साथ ही धमकी देकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गया। साथ ही पुलिस आगे की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हथियार लेकर पहुंचा होटल। अमरावती में पोर्टे टाउनशिप परिसर में स्थित एक होटल में आरोपी धारदार हथियार लेकर पहुंचा। फरियादी से कहा गया कि होटल को बंद करो, साथ ही ग्राहकों को वहां से भगा दिया। घटना 19 जुलाई की रात को हुई। फरियादी विजय मानका नगर के नंदनवन गांव पेट पुलिस थाने में 20 जुलाई की दोपहर में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी अक्षय वानखेड़े पर आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आरोपी ने ग्रामीण को भी धमकी दे रखी थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 10 किमी दूर मिला व्यक्ति का शव। अमरावती में जिले के ब्राह्मण गांव भगत निवासी अशोक बांकुरे रहाटे का पेठरी नदी में पैर फिसलने की वजह से वह बह गए थे। उनका शव रविवार को घटनास्थल से करीब 10 किमी दूर मिला। शुक्रवार की रात बारिश के कारण पेठरी नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इस दौरान अशोक रहाटे नदी पार कर रहा था, तब उसका पैर फिसल गया और वह नदी के बहाव में आ गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद टीम घटनास्थल पर पहुंची और उनकी तलाशी शुरू की। रविवार की सुबह 7 बजे मालूग्रस्त में तलाशी अभियान के दौरान यहां से करीब 10 किमी दूर उसी वक्त शव मिला। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को भेजा गया है और साथ ही पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब आप हमारी न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाल, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक छोड़ने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।